कोरोना काल में देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने 86 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पड़ोसी देशों की एक नई परिभाषा भी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज हमें फिर से संकल्प लेने की जरूरत है, जो हमारे आजादी के नायकों, हमारे आने वाली पीढ़ी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हो। साथ ही वोकल फॉर लोकल बढ़ावा देने की बात कही। नहीं, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर आग उछाने वाले को देश की सेना ने उसी भाषा में जवाब दिया है। साथ ही कहा कि हमने जन औषधि केंद्रों के जरिए 1 रुपए में सैनिटरी पैड पहुंचाने का। कहीं पीएम मोदी का संबोधन खत्म होने के बाद हर बार बच्चों के बीच नजर आते थे, लेकिन कोरोना के चलते पीएम मोदी इस बार बच्चों के बीच नजर नहीं आए। हालांकि जाते समय पीएम मोदी बीच में रुके और वहीं से बच्चों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।